हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं एक यूवी सैनिटाइजर बॉक्स। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके का एक बॉक्स। अगर आप लोगों के पास इस तरीके का बॉक्स नहीं पड़ा है तो आप लोग कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता और इजीली मिल जाएगा वो। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अब लेंगे हम एक यूबी लैंप 11 वोल्ट का। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये आरओ जहाँ पे रिपेयर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। इसके साथ आप लोगों को एक अडैप्टर भी लेना पड़ेगा इस तरीके का, वहीं पे दोनों साथ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा है। अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन ख़रीदना है तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो अडाप्टर है बहुत बड़ा है और इसका अंदर का सर्किट बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल के इस तरीके से रख के इसको माप के इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है इसको। और इसके सर्किट को हम डबल टेप से अच्छी तरह से कवर के साथ चिपका देंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से चिपका रहा हूँ उसको। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, ये AC इनपुट वायर्स हैं, इसका एक वायर को मैं हाफ कट कर लूँगा। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम एक स्विच लगाएंगे, कुछ इस तरीके का स्विच। फ्रेंड्स, इसका नाम आप लोग डिस्प्ले पे पढ़ लेना, बहुत लंबा नाम है। और वायर्स के एक पॉइंट इस लेग पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा पॉइंट इस लेग पे कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लग ही रहा होगा कि इस तरीके का स्विच क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये आगे आप लोगों को वीडियो पर पता चल जाएगा। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस यूवी सैनिटाइजेशन का और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हीट सिंक स्लीव लगा देंगे दोनों पॉइंट पे, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। और फ्रेंड्स, मैंने इधर पे एक गलती करी है, वो आपको आगे वीडियो पे पता चल जाएगा, देखते रहना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हीट सिंक स्लीव जो पहले लगाया था वो निकल रहा था, तो मैंने इसको ऊपर से फिर अच्छी तरह से लगा दिया अंदर से। और फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर पे एक छोटा सा होल करेंगे, ताकि हम AC इनपुट्स वायर्स यहाँ से निकाल लें। और फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसका AC इनपुट्स को बाहर इस तरीके से निकाल देंगे उस होल में से। और इसका जो स्विच है यहाँ पे इस तरीके से चिपकाना है। फ्रेंड्स, इसको चिपकाने से पहले यहाँ पे एक जो ब्लैक कलर का क्लॉथ लगा हुआ है इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं मैं ग्लू गन से इसको अच्छी तरह से चिपका रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि मैं ये इस तरीके का स्विच क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो लैम्प यूज़ कर रहे हैं हम इस पे यूवी लैम्प, ये बहुत हार्मफुल होता है आप लोगों के लिए, आइस और स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्विच है हम इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे कि जब ये बॉक्स क्लोज होगा तभी ग्लो करें। और अब हम लेंगे एक GI बाइंडिंग वायर का टुकड़ा और इसको हम इस तरीके से शेप देंगे कि ये चिमटी की तरह दिखे। और फ्रेंड्स, आप लोग बोलोगे कि ये चिमटी का यहाँ पे क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है इस चिमटी का, आप बस वीडियो पे बने रहे, सब कुछ पता चल जाएगा आपको इस वीडियो पे। और फ्रेंड्स, एक बार क्लियर कर दूँ कि मुझे इतना कुछ बोलना नहीं आता, कहीं पर गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पर थोड़ा इम्प्रूव कर दूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चिमटी बना लिया, एक और चिमटी बना के रखा था मैंने। और हम इसको यूज़ पे लेंगे इस यूवी ट्यूब को अच्छी तरह से होल करने के लिए एक जगह पे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत काम आ रहा है। और फ्रेंड्स, हम इसको ग्लू गन से चिपका देंगे इस तरीके से, अच्छी तरह से चिपकाना है फ्रेंड्स, गिराना नहीं है। और इसके वायर्स को कनेक्ट कर देंगे इस ट्यूब के साथ। और फ्रेंड्स, मैं इस वायर को भी अच्छी तरह से चिपका दूंगा इस तरीके से, ताकि हर इधर उधर ये ना भागे। तो फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर अब स्विच के यहाँ पे
इस तरीके का एक वायर को मोड़ के इस तरीके से चिपका देंगे ताकि हमारा बॉक्स जब क्लोज हो जाए तब ये इसका स्विच को पुश करे, तभी ये अंदर पे ग्लो करे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है और बन चुका है हमारा एक सैनिटाइजर बॉक्स। अरे भाई रुको रुको, अभी बाकी है, सबसे ज़रूरी काम तो रह गया। फ्रेंड्स इसके ऊपर में हम लगाएंगे इस तरीके का एक फॉयल और इसके अंदर पूरा लगाना है, कहीं से गैप नहीं देना है फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा यूवी लाइट अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा एक मैजिक, बूम, आप देख सकते हैं मैंने एक ही झटके पे पूरा लगा दिया। आप भी इस तरीके का मैजिक कर सकते हैं घर पे, बस मेरे से पूछ लेना कि कैसे करना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने सैनिटाइजर बॉक्स को कंप्लीट कर लिया बना के, और एक ही काम रह गया, आप इस वायर को लंबा करना है। फ्रेंड्स मैंने एक थोड़ा लंबा वायर लेके इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और फ्रेंड्स हीटिंग स्लीव लगा के रखा है मैंने ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा सैनिटाइजर बॉक्स कंप्लीट। और फ्रेंड्स अगर आप इसको घर पे बना रहे हैं तो प्लीज़ इसके लाइट को डायरेक्टली ना देखें, ये बहुत हार्मफुल है आपके आँखों के लिए और स्किन के लिए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है और अब आप इसको सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप इसके अंदर 1 से 2 मिनट रख के सैनिटाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।